अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ फुकान के M280 का। सो गाइस, इस गाड़ी के रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें क्या क्या स्पेक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और आप इनको इस गाड़ी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी आज की वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। स्टे विद मी एंड सब्सक्राइब। भाई मौजूद हैं जो इस गाड़ी के हवाले से बताएंगे कि ये गाड़ी कैसी है, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, किस पर्पस के लिए, किस मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो भाई अपना तारुफ करवाएं प्लीज़। मोहम्मद तनवीर जी, तनवीर भाई बताएं कि ये गाड़ी जो है क्यों यूज़ की जाती है, किन मकासद के तौर पर क्यों ली जाती है और इस पर मतलब जो भी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़ा सा गाइड करें। सर, इसमें आप कंटेनर बना सकते हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी बिस्कट के लिए लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें आप कोक का रैक रख सकते हो, बोतलों का पेप्सी का रैक रख सकते हो, ठीक है, बॉडी बना सकते हो। अच्छा, इसमें आप ये जो कमेटी वाले लेते हैं गाड़ी, ठीक है, गंद के लिए वो बना सकते हो। सही है, ये आपका जो है ना, आपका अपना वो है, जो चीज़ बनाना चाहो वो आप बना सकते हो, ठीक है। क्या इसकी पावर क्या है, कितने सीसी है ये गाड़ी? इसकी जो पावर है 2771 सीसी है, ठीक है, 77.5 हॉर्स पावर है। अच्छा, और एवरेज कितनी दे देती है ये? सर, ये लोड पे जो दे रही है 5 से 6 टन पे, 5 से 6 तक की दे रही है जी, उस पे नहीं, 5 से 6 टन पे, 150 मन पे। अच्छा, 150 मन पे 10 से 11 की एवरेज दे रही है, 10 से 11 की एवरेज दे देती है 150 मन के ऊपर जी, 150। अच्छा, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, उसके अलावा ये बताएं कि इसके अंदर गियर्स वगैरह का क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है, ओवरऑल गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं? सर, मुख्तलिफ हैं। पहले 2014 से ये गाड़ी आई है, ठीक है, पहले इसकी मास्टर 3300 थी। अच्छा, वो 2001 से 2003 से थी, ठीक है, वो उन्होंने 2014 में बंद कर दी है। सही है, फिर उन्होंने न्यू मॉडल निकाला, ठीक है। अभी इसमें 14 मॉडल से 17 मॉडल तक डिफरेंट है, ठीक है, काफ़ी के जैसे इंजन है, जैसे बोल्ट हैं, नट बोल्ट हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं, ये जो मॉडल हमारे सामने मौजूद है, इस मॉडल का नाम क्या और इसमें क्या क्या फंक्शन है? ये M280 है, फुटोन, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा बताएंगे कि कितना इसके गियर सिस्टम क्या है और सारा मैनुअल है, कैसे है? ये मैनुअल है, मैनुअल चलती है जी, मैनुअल है, पांच गियर है, पांचवा टॉप है, छह वाली बार से इसके अंदर, ठीक हो गया। और मैक्सिमम स्पीड कितनी देती है ये गाड़ी? सर, मैक्सिमम लोड के ऊपर 90 दे देती है जी, वैसे अगर आप खाली आ रहे हो 120 पे भी चली जाती है। एसी वगैरह का निज़ाम भी ये देख सकते हैं आप, एसी का एसी लगाए हैं, एसी नहीं है, अगर एसी आप लगवाना चाहते हो 40 से 45 हज़ार खर्चा है, लग जाएगा, वो एक्सपेंस है उसका, ठीक है, उन्होंने बकाया सारी फिटिंग दी हुई है। सही है, मतलब आप लगवाना चाहोगे तो वो एक्स्ट्रा तौर तो पर आपको हम ही लगवा के देंगे, बाहर से लग जाएगा, बाहर से पास गाड़ियों में लगा हुआ है, जो हमारे पास काम कराने आती है ना, ठीक है, उनके ऊपर लगा हुआ है। सही है। अच्छा, ये एक सिस्टम दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये सारी एग्जॉस्ट है हवा के लिए। अच्छा, ये पूरा खुल जाता है, ठीक हो गया, ये हवा के लिए होता है। बाज सर्दी होती है ना, हमने दोनों शीशे लॉक किए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, बाद डकैती का खर्चा होता है। ये हवा जो होती है ना शीशे के ऊपर पड़ती है, ठीक है, अंदर शीशा मदम नहीं होता। अच्छा, मतलब धुंध वगैरह जो बाद दफा में देखने में आती है सर्दियों में, फोग वगैरह हो जाती है, तो उससे ये बचाती है। हम ये गाड़ी लॉक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हवा जो है ना शीशे पे पड़ती है, तो वो उसके फोग वगैरह को फोग नहीं वो करती जी। बड़ा ज़बरदस्त फीचर यहाँ पे दिया गया, बाकी आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी सारे नॉर्मल फीचर हैं। ये हमारे पास टेप रिकॉर्डर वगैरह है, इसको आप चाहें तो एसी विंड्स वगैरह में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसका 40-50 हज़ार रुपये खर्चा अलहदा होगा। गियर सिस्टम आप देख सकते हैं सारा मैनुअल ही है, और स्टीयरिंग पावर है, पावर स्टीयरिंग दिया गया जी इसमें, और साथ साथ ये आप इसका मीटर मुलायजा कर सकते हैं, तकरीबन इनके मुताबिक जो है वो 90 तक 100 तक मैक्सिमम स्पीड चले जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी लास्ट में प्राइस बता दें, कीमत क्या है? लास्ट में इसकी प्राइस है 42,50,000। इस टाइम की जो कीमत है वो 42,50,000 चल रही है। आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो लोकेशन थोड़ी सी गाइड कर देंगे, मुल्तान में कहाँ पे लोकेशन है? मुल्तान चौक कुंभारा वाला, ठीक है, नज़ डाइवर्ट खानेबाज रोड, ठीक है जी। कोई रब्ता करना चाहे तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। दो मॉडल है, 11 फुट और 14 फुट, डिफरेंट, लाख रुपए का रेट है। 11 फुट और 14 फुट में सिर्फ वो पीछे उसको कैरी कैरिज करता है, 3 फुट फ्रेम का फर्क है, लाख रुपए रेट का फर्क है,
ठीक है जी, 1,00,000 रुपए का रेट का फ़र्क है, बाकी वो आप आएंगे यहाँ पर, बाकी डिटेल आपको यहाँ पर बता देंगे, गाइड भी कर देंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और यहाँ पर आप प्रॉपरली विजिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल साथ ही जो डेवो के ऑपोजिट है जी, डेवो के साथ ही है, डेवो के साथ ही जो है ना, आपको यहाँ पर चौक कुमारा वाला पर इनका शोरूम मिल जाएगा। मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफिज़।